खंडासा थाना क्षेत्र के अमानीगंज विकास खंड परिसर में बने नवनिर्मित सभा कक्ष निर्माण में हुए घोटाले की कहानी। मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद आज दूसरे दिन मीडिया वालों को बुलाकर ब्लॉक प्रमुख राज प्रताप यादव ने नवनिर्मित बिल्डिंग सभा कक्ष आदि की जर्जर हालत व संबंधित ठेकेदारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की सच्चाई से रूबरू कराया। ब्लॉक प्रमुख राज प्रताप यादव ने मीडिया वालों को बुलाकर नए भवन की कहानी कुछ इस तरह से बताई। विभागीय अधिकारियों व संबंधित भवन निर्माण के ठेकेदारों द्वारा भारी लापरवाही बरतते हुए गुणवत्ता मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए लाखों रुपए का गबन किया गया है। 1,26,90,000 लागत की कीमत से बनाए भवन जगह जगह दरार, तो कहीं दीवार का प्लास्टर छूते ही टूट जा रहा है। समरसेबल तो लगा है लेकिन जर्जर हो गया है। खिड़कियां एकदम हल्की लगी हैं, जो हाथ लगाते ही उखाड़ जाने को बेताब है। शौचालय के गड्ढे कूड़ेदान में बदल गए हैं। जगह जगह प्लास्टिक पाइप धूल चाटते हुए दीमक खा रही है। छत में केवल पंखे के हुक लगे हैं, पंखा एक भी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत निर्मित इन भवनों का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख के मुताबिक भवन को संबंधित विभाग को क्लीन चिट देकर हैंड ओवर कर दिया गया। ग्राम विकास विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर की गई घपलेबाजी। अयोध्या से युधिष्ठिर सिंह की रिपोर्ट। अमानीगंज विकास खंड मुख्यालय पर नवनिर्मित सभा कक्ष एवं विकास खंड नए मुख्य भवन का मामला गर्मा गया है। ब्लॉक प्रमुख अमानीगंज ने निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की है। आइए पूछते हैं ब्लॉक प्रमुख जी से क्या मामला है और उन्होंने कहां शिकायत की, किस विभाग का ये काम है। प्रमुख जी, हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से की है, राज्यपाल महोदय से की है, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की है, जिला अधिकारी महोदय से की है, विकास मुख्य विकास अधिकारी से की है। पूरा मामला क्या बताइए आप। पूरा मामला ये है कि ये हमारे ब्लॉक परिसर में नई बिल्डिंग विकास सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत बनी थी और इसमें 1,26,90,000 रुपए की लागत से बनी और इसमें इतना घटिया काम हुआ है कि बिल्डिंग अभी प्रवेश नहीं हुआ कि उसमें प्लास्टर गिर रहा है और उसकी जितनी क्या कहते हैं खिड़कियां हैं और जो उसमें पंखे लगे हुए हैं सब वो अभी से सब जर्जर हो गए हैं, अभी प्रवेश नहीं हुआ। और हमको बताया गया कि अभी आप शांत रहिए, सारा काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और पैसा आएगा, आप शांत रहिए, सारा काम हो जाएगा। अभी तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो हमने कभी देखा ही नहीं, जितना बड़ा भ्रष्टाचार अमानीगंज विकास खंड में हो गया। हम इसकी मुख्यमंत्री से जांच करवाते हैं दूसरी एजेंसी से। रोकते हो ना यहीं पर। जैसे कि क्षेत्र में लोगों को कहना है कि ब्लॉक प्रमुख राम प्रताप जी बहुत ही कर्मठ ईमानदार हैं और ये अयोध्या जनपद में निर्विरोध चुने गए हैं, तो मैं प्रमुख जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपका कार्यालय ऑफिस भी ब्लॉक में ही है और बिल्डिंग का निर्माण जब हो रहा था तो क्या उस समय आपने संबंधित जो ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कराया जा रहा था उन्हें आपने कोई रोक टोक किया? वो लोग कभी मिलने ही तक नहीं आए। कभी मिलने तक नहीं आए आपसे? कभी मिलने तक नहीं आए, बात तक नहीं किए और जो नंबर हमको बताया गया वो स्विच ऑफ था, अभी तक स्विच ऑफ है जी। और अंधेरे में रख करके बिल्डिंग को हैंडओवर विभाग को कर दिया गया। हमको भर में डाल दिया गया कि अभी रुके रहिए, अभी इसका प्रवेश जो है नए साल में होगा। जब मैंने उसकी सारी जानकारी ली तो हैंडओवर हो गई थी बिल्डिंग, हमको बताया ही नहीं गया। हमको सरकार की मंशा से काम करना है, जो हमारी सरकार का प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, आप उनके एक अंग हैं जी, सरकार आपकी है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसकी विशेष कार्रवाई हो, इसकी जांच कराई जाए, जो इसमें दोषी मिले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ओके, धन्यवाद प्रमुख जी।